हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजीवे। इजीवे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। और ये लीजिए, बहुत बड़ी गुड न्यूज़ आप लोग के लिए है कि बहुत सारे बच्चे लोग बोल रहे थे कि सर मैथ ICAR टेक्नीसियन के लिए मैथ की क्लासेस स्टार्ट कर दीजिए। तो मैथ की क्लासेस स्टार्ट कर चुके हैं और पहला क्लासेस हम लोग स्टार्ट करेंगे ट्रिगोमेट्री। सबसे पहले हम लोग ट्रिगोमेट्री पढ़ेंगे, अच्छे से उसको ख़त्म करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग दूसरे चैप्टर की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। फिर अलजेब्रा की ओर हम लोग बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं ट्रिगोमेट्री, और उसमें स्टार्ट करेंगे एक नन्हा सा सवाल, सा बहुत ही प्यारा सवाल है जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि यदि साइन ए का वैल्यू दिया हुआ है 4/5, साइन ए का वैल्यू दिया हुआ है 4/5, साइन बी का वैल्यू दिया हुआ है 5/3, तो कॉसेक ए माइनस बी का वैल्यू क्या होगा। देखिए दिया क्या क्या है आपके पास, गिवेन क्या है वो हम लोग देख लेते हैं। तो गिवेन है साइन ए का वैल्यू दिया हुआ है 4/5, ठीक है। दूसरा दिया हुआ है साइन बी का वैल्यू दिया हुआ है 5/13। अब हम ये गिवेन दिया हुआ है यहाँ से कुछ निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, हम कॉस ए का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो कॉस ए का वैल्यू आप निकालिएगा तो आपका हो जाएगा 5^2 - 4^2/5, तो ये आपका हो जाएगा √25 - 16/5 = 3/5। उसी तरह से हम यहाँ पे लेकिन साइन ए का वैल्यू निकालेंगे, साइन ए का वैल्यू आपका निकलेगा 13^2 - 5^2/13, ये आपका हो जाएगा √169 - 25/13, ये आपका हो जाएगा 12/13। तो आपको क्या क्या पता चल गया, आपको पता चला अभी तक साइन ए, यहाँ पे लिख लेते हैं साइन ए का वैल्यू आपको पता है 4/5, यहीं से कॉस ए का वैल्यू आपको पता चल गया 3/5, फिर दिया हुआ है साइन बी का वैल्यू 5/13, और साइन ए का वैल्यू आप लोग निकाल चुके हैं, हम लोग निकाल चुके हैं 12/13। जब ये इतनी डाटा, इतनी इन्फॉर्मेशन आपके पास आ गई, अब हम लोग देखते हैं वैल्यू किसकी पूछ रही है। वैल्यू पूछ रही है कॉसेक ए माइनस बी, और आप लोग जानते हैं 1/sin θ इक्वल टू होता है कॉसेक थीटा। अगर ये नहीं पता है तो लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप जाके वो हमारा ट्रिगोमेट्री वाला क्लासेस देख लीजिएगा, उसमें थ्योरी पढ़ाया हुआ है एकदम बेसिक से, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पे दिया हुआ है कॉसेक्स ए माइनस बी, कॉसेक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/sin, तो 1/sin ए माइनस बी, थीटा का वैल्यू क्या है ए माइनस बी, ठीक है। इसका फार्मूला अगर जब लगाइएगा साइन ए माइनस बी, तो क्या होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये होता है इसकी फार्मूला, ठीक है। साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। अब इस फार्मूला पे हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू पुट द वैल्यू गेट द रिजल्ट, क्या है साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। अब देखिए वैल्यू मेरा यहाँ निकला हुआ है, साइन ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है 4/5, इंटू कॉस बी का वैल्यू दिया हुआ है, कॉस बी का वैल्यू दिया हुआ है आपका ये रहा, कॉस बी का वैल्यू दिया हुआ है 12/13, माइनस कॉस ए का वैल्यू दिया हुआ है 3/5, मल्टीप्लाई हो जाएगा 5/13। तो यहाँ से जब आप इसको कैलकुलेट करिएगा मल्टीप्लाई करने के बाद, तो आपका हो जाएगा 1/48 - 15/65, और 65 ऊपर चला जाएगा, 48 - 15 हो जाएगा हमारा 33, यानी कि 65/33 ऑप्शन है कोई, 65/33 फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये था, थोड़ा सा डिफिकल्ट भी था लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
और तो समझाने की हम कोशिश किए कि इस तरह के क्वेश्चन आप कैसे डील कर सकते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और सेकेंड क्वेश्चन आपके पास है, ये रहा आपका सेकेंड क्वेश्चन। वन प्लस टेन स्क्वायर टू थीटा, वन प्लस टेन स्क्वायर टू थीटा का वैल्यू क्या होगा ये आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन ए दे रखा है कॉट स्क्वायर टू थीटा, बी दे रखा है सेक स्क्वायर टू थीटा, सी दे रखा है सेक टू थीटा और सी डी दे रखा है कॉसेक स्क्वायर टू थीटा। ठीक है, तो देखिए माय डियर, टेन थीटा का वैल्यू क्या होता है, साइन थीटा बाय कॉस थीटा इक्वल टू होता है टेन थीटा। ठीक है, कोई दिक्कत ये आप बचपन से काफ़ी समय से पढ़ते हुए आ रहे होंगे कि साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा। तो हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, वन प्लस टेन स्क्वायर टू थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर टू थीटा डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर टू थीटा, बिल्कुल लिख सकते हैं। आप बोलेंगे यस सर बिल्कुल लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर टू थीटा मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर हो जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर टू थीटा प्लस साइन स्क्वायर टू थीटा होगा इक्वल टू, और आप लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है, वन। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारा वन डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर टू थीटा, और वन बाई कॉस थीटा होता है हमारा सेक थीटा। तो वन बाई कॉस स्क्वायर टू थीटा क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर टू थीटा। क्या हो जाएगा डियर, सेक स्क्वायर टू थीटा, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन बी आपका क्या है, सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर थ्री। क्वेश्चन नंबर थ्री कह रहा है कि यदि दिया हुआ है फाइव टेन थीटा इक्वल टू फोर, तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, टेन थीटा इक्वल टू फोर बाई फाइव। चलिए इतना निकाल लिया है, तो इतना का वैल्यू क्या होगा, देखिए थ्री साइन थीटा माइनस टू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई टू साइन थीटा प्लस थ्री कॉस थीटा। अब क्या करें, इसको भी हम कॉस थीटा से डिवाइड कर देते हैं और इसको भी कॉस थीटा से डिवाइड करेंगे, तो हो जाएगा हमारा थ्री टेन थीटा माइनस टू, नीचे हो जाएगा टू टेन थीटा प्लस थ्री, क्यों कॉस कॉस कट जाएगा। ठीक है, तो अगला हमारा हो जाएगा थ्री टेन थीटा माइनस टू, टेन थीटा का वैल्यू दिया हुआ है थ्री इंटू फोर बाई फाइव माइनस टू डिवाइडेड बाई टू इंटू फोर बाई फाइव प्लस थ्री, तो ये हमारा हो जाएगा चढ़ती है बारह, बारह बाय पाँच माइनस दो डिवाइडेड बाय चौधरी आठ बाय पाँच प्लस तीन, ये हो जाएगा। ठीक है, तो आ जाएगा आपका आंसर बारह माइनस दस डिवाइडेड बाय आठ प्लस पंद्रह, तो ये आपका हो जाएगा दो डिवाइडेड बाय ट्वेंटी थ्री। ठीक है, तो आंसर आपका बी आपका सही आंसर हो जाएगा, टू डिवाइडेड बाय ट्वेंटी थ्री। तो ये तीन क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस किए ट्रिगोमेट्री का, और आपको बताने की कोशिश किए कि किस तरह से ट्रिगोमेट्री का क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर सकते हैं आईसीआर टेक्नीशियन के लिए। और इसी तरह से क्लासेस हमारा चलते रहेगा और बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, कुछ थ्योरी भी हम लोग पढ़ेंगे। एक हम लोग सीरीज लाने वाले हैं फॉर्मूला कॉपी करके कि फॉर्मूला बुक करके, जैसे कि जितने भी चैप्टर हैं, जैसे ट्रिगोमेट्री हो गया, मेंसुरेशन हो गया, अलजेब्रा हो गया, एससीएफ एलसीएम हो गया, हमारा नंबर सिस्टम हो गया, चैप्टर वाइज एक फार्मूला हैंडबुक लाएंगे, यानी कि एक पाँच मिनट दस मिनट के लेसन में आपको हर एक चैप्टर का फार्मूला, आपको इम्पोर्टेंट फार्मूला को रिकॉल कराया जाएगा और समझाया जाएगा। तो वो एक बहुत ही अच्छा सीरीज हम लोग का चलने वाला है। तो चलिए हम लोग मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में, अपना प्यार बनाए रखें हमारे साथ, आप ही का परिवार है, आप ही का चैनल है, आप ही लोग के लिए इतना मेहनत करते हैं, तो परिवार सपोर्ट करते रहिए, अपने परिवार को प्यार बनाए रखें। थैंक यू सो मच, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में।